Hello everyone, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 9th question of exercise 15.1. It is kind of activity. Note the frequency of two wheelers, three wheelers and four wheelers going past during a time interval in front of your school gate. Find the probability that any one vehicle out of the total vehicle you have observed is a two wheeler. So isme karna kya hai activity mein? बेसिकली आपको जाके अपने स्कूल के गेट के सामने खड़े हो जाना है कुछ टाइम इंटरवेल के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए खड़े हो जाओ, एक घंटे के लिए खड़े हो जाओ. एंड देन नंबर ऑफ व्हीकल्स जो वहां से पास बाय होंगी वो आपको काउंट करनी है. अब उसमें से टू व्हीलर्स भी होंगे, ठीक है जी, उसमें हमारे थ्री व्हीलर्स भी होंगे एंड उसमें हमारे फोर व्हीलर्स भी होंगे, ठीक है जी. सो लेट्स सपोज जब आप खड़े थे तो आपने काउंट किया कि जी टू व्हीलर्स मतलब स्कूटर्स, बाइक्स या साइकिल्स वो गई हैं 10, लेट्स सपोज, ठीक है, आधे घंटे खड़े हुए आप. थ्री व्हीलर्स मतलब आपने देखा कि जो हमारी ऑटो वगैरह होते हैं जो तीन पहियों पे चलते हैं वो वहां से 5 गए हैं. एंड फोर व्हीलर्स मतलब कार्स, बसेस, ये सब आपने काउंट किया तो आपको मिला कि वो 20 है, ठीक है जी. सो दैट मीन्स ये तीनों आ गए. अब टोटल व्हीकल्स आपने कितनी ऑब्जर्व करी, 5 एंड 3, 35 व्हीकल्स टोटल है. अब वो पूछ रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे टू व्हीलर्स की. सो देखो टू व्हीलर्स कितने देखे थे आपने, 10. सो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, ये मैंने रैंडम डेटा लिया, ठीक है जी. फेवरेबल आउटकम हो गया 10 एंड टोटल आउटकम हमारा कितना है, टोटल कितनी व्हीकल्स देखी है, 35. तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 10/35. कट भी कर सकते हो, 5 की टेबल से कट करोगे, 5 2s are 10, 5 7s are 35. सो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 9th क्वेश्चन था, एक्टिविटी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर ऑन द 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.1. अगेन इट इज ऑल्सो एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन कह सकते हो आप. Ask all the students in your class to write a 3-digit number. अब let's suppose आपकी क्लास में 40 students हैं और हर बच्चे को आप कह रहे हो एक 3-digit number लिखो. तो कुछ भी हो सकता है, कोई let's suppose 204 लिखा किसी ने 312 लिखा, किसी ने 333 लिखा, किसी ने 400 लिखा, किसी ने 600 लिखा, किसी ने 666 लिख दिया, किसी ने 123 लिख दिया. सारे 3-digit number है, ऐसे 40 students ने अलग अलग 3-digit नंबर लिखे. चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम दी रूम एट रैंडम, इसमें से कोई भी एक बच्चा चूज किया, व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट दी नंबर रिटन बाय हर और हिम इज डिविजिबल बाय 3. अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर उसने लिखा होगा वो 3 से डिविजिबल होगा. सो रिमेंबर दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. अब हमें पता है किसी भी नंबर को अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम डिजिट्स को एड कर दे. यहाँ पे देखो 312 है, 3 4 5 6 3 के टेबल में आता है, मतलब ये डिविजिबल होगा 3 से. तो इसके लिए अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, पहले 40 ऐसे रैंडम नंबर्स लिख लेना. अब उसमें से देखना कितने ऐसे, जैसे अगर मैं इतने डेटा की बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 है, इस डेटा की बात करूँ तो 318 है जो मेरा 3 से डिविजिबल है, 333 है 3 से डिविजिबल, अभी 4 5 6 ये भी 3 से डिविजिबल है, 4 नहीं है, 600 अगेन 3 से डिविजिबल है, 666 अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 4 5 6 अगेन, अरे भाई सारे 3 से डिविजिबल लिख दिए क्या. सो ऐसे यहाँ पे रैंडमली इतने सारे हैं तो आपने काउंट करना कितने हैं. सो आपका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ गया है. एंड टोटल आपका होगा जितने आपने नंबर्स लिखे हुए, तो उनको डिवाइड करके प्रॉबेबिलिटी आ जाएगी, क्लियर जी. सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.1. इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ऐसा आ सकता है कि आपको खुद डेटा दे दे वो कि 10 बच्चों ने ऐसे रैंडम नंबर्स लिखे, आप बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर चूज किया जाएगा वो डिविजिबल होगा 3 से. तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा जितने भी नंबर्स है उसमें से 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे, ठीक है. सो ये था हमारा 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 का. लेट्स क्विकली गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.